अभी अभी को देखा क्या? जिसका डर था वही हुआ, ये अभी भाग गया ना। अरे अरे हमें पार्टी नु बिल कौन भर से? ओवर एक्ट मत करो, वो तुम्हारे जैसा चीप नहीं है। मैं अभी इज अ जेंटलमैन, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अभी अभी जीपीएस ऑन कर, अभी मिल जाएगा। अभी जेंटलमैन, ओ जेंटलमैन बापू। अभी डार्लिंग, डार्लिंग जेंटलमैन, ओ डार्लिंग जेंटलमैन। जानू तुम कहाँ हो? जानू डार्लिंग जेंटलमैन, क्या चो? हेलो जेंटलमैन, गाड़ी के अंदर सुल्तान के भेज में, ओह कुश्ती कर रहा है। सीता मेरी बात सुनो, आई कैन एक्सप्लेन दिस। जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। समझने के लिए रखा ही क्या, तो ये था तुम्हारा प्यार, अभी तुमने मुझे धोखा दिया। पता है तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के विश्वास को तोड़ा। मैं शादी के एक दिन पहले सात समंदर पार करके तुमसे मिलने आई। तुम बहुत ही घटिया और बक्कार इंसान हो। अगर मुझसे प्यार नहीं तो शादी किस लिए? तुमसे शादी करना मजबूरी है। अगर तुमसे शादी नहीं की तो मेरे कंजर्वेटिव पेरेंट्स मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सच बताओ, मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल फेसबुक पे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने 6 महीने तक तुम्हें उल्लू बनाया, वरना बहुत गर्लफ्रेंड्स है मेरे पास। बेबी आर यू ओके? हाँ ओके ओके, वो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, हमारी एंगेजमेंट की वजह से थोड़ी इमोशनल हो गई, मैं तो बस उसे कंसोल कर रहा था। मतलब तू इनोसेंट इंडियन लड़की का फायदा उठाना चाहता था? ए एक्सपर्ट कमेंट देना बंद कर। और वैसे इसके लिए तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ना तेरे लिए हमदर्दी है, ना इसके लिए हमदर्दी है, पैसों के लिए हमदर्दी है। ले और तुम मेरे साथ चलो। यही सोच रहा था कि तुम जैसे बैकवर्ड इंडियन से मिलूं या नहीं। 5-स्टार होटल में खा के बहुत बोर हो गया था, इसलिए आज सोच रहा हूँ कि घर की मुर्गी की तंगड़ी कबाब खाऊं। ए वेटर, अंदर कैसे आया? कैसे आया? ऐसे चल के आया। क्या बात है, मुझसे लड़ेगा? अरे ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब पटेल का भी एक आइडिया सुन, फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने बोल दे। कब तक रोएगी? चल जाते हैं। ऐसे कैसे जाएगा? इतनी खूबसूरत लड़की की इज्जत की कीमत क्या लगानी चाहिए? पटेल इज ऑलवेज ऑन सेल, पर उसके उसूल नहीं। बार तुम यूएस तो आ जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा यहाँ पर।
आजाद हो, यहाँ कोई तंग नहीं करेगा और यहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है। असीम कम बेबी, गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, कुछ तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पर छोड़ूंगा। हेलो, सुन रही हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? फोन कॉल करना है, फोन कहाँ पर? हेलो गीता, कांग्रेचुलेशंस दी, मैं आपको दिल से कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। 5 मिनट में मेरे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले मैं आपकी गुड न्यूज़ सुनना चाहती थी। बाय द वे, एंगेजमेंट कैसी थी? जरूर जीजू ने डायमंड रिंग पहनाई होगी। जीजू को फोन देना, मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। हेलो दीदी, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी बोलिए दीदी, अच्छे न्यूज के साथ एग्जाम्स दूंगी तो ये वाला एग्जाम भी अच्छा जाएगा। जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम एग्जाम्स पर ध्यान दो, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। हाँ, ऑल द बेस्ट। दीदी आप रो रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अंकल आंटी दादा दादी गुड्डू गुड्डी सबकी बहुत याद आ रही है। यहाँ आकर एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाई। इतना उदास मत हो दीदी, देखना बहुत जल्द घर के सारे लोग मान जाएंगे। जरा जीजू से मेरी बात कराओ। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। क्या कहा? मेरा मतलब गेस्ट को ड्रॉप करने गए हैं। मुझसे प्रॉमिस करो हमेशा की तरह इस बार भी तुम टॉप करोगी। अब तो पक्का करूंगी, देखना। कांग्रेट्स वंस अगेन, चलो बाय 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 बाय। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी का तो नंबर दो, उन्हें कांटेक्ट करता हूँ ना मैं। तुम सुन रही हो या नहीं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। सू बोली, अरे गांडी अपना देश छोड़ के अमेरिका गए उस लुच्चे के लिए, वो डोडिया तुझे कहाँ मिला था? FB पर। क्या मने थो? फरीदी बोल। फेसबुक पे दोस्ती हुई, चैटिंग करते करते प्यार हो गया। क्या? फेसबुक पे पाटली उतार दिया। अंकल आइया आइया। ये फेसबुक की चैटिंग पर सेट हो गई थी उससे। चीटिंग मैं जानता हूँ, लेकिन चैटिंग कौन सा नई डिश का नाम है? अभी समझाता हूँ। दो अनजान लोग जब इंटरनेट पर बिना मुंह खोले एक दूसरे को पकाते हैं उसे कहते हैं चैटिंग। इनका बस चले तो फेसबुक पे सगाई, व्हाट्सएप पे शादी और ट्विटर पे हनीमून मना लेंगे। इन्हें आईफोन चाहिए, मुंह पे ब्यूटी पार्लर चाहिए, बॉयफ्रेंड NRI चाहिए, बस संस्कार ही नहीं चाहिए। माँ बाप की बातें इन्हें वो वायरस लगती है जिनसे इनका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। एक दिन के लिए वाईफाई। जस्ट शट अप ओके। मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, रिसर्च करना चाहती थी, PhD करना चाहती थी, पर घर वाले इसके अगेंस्ट थे, मेरी शादी करवाना चाहते थे। सिर्फ अभी मेरी प्रॉब्लम समझता था और प्रॉमिस किया था कि मेरी हेल्प करेगा। 3 महीने कांटेक्ट में रहने के बाद हम इतने क्लोज हुए थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अमेरिका याशी करने नहीं, पढ़ने के लिए आई थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी रेस्टोरेंट में खाना ही क्यों ना पकाना पड़े, मैं पढ़ाई पूरी करके रहूंगी। उससे पहले मैं इंडिया वापस नहीं जाने वाली। प्लीज शांत हो जा, बिना सच्चाई जाने बोल देता है गधा। तुमने कहा तुम अच्छा खाना पकाती हो, क्या ये सच है या फिर? सच में मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। अरे पहले खुद की नौकरी तो बचा लो। खुद को बचाने के लिए इसे असिस्टेंट रख रहा हूँ। जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसकी जगह 10 विंडोज खोल देता है। आओ हमारे साथ। वेलकम सीता, दिल से स्वागत है। ये है मेरा आशियाना, छोटा सा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे पेट जितना। इसे अपना ही घर समझो, फ्रीली फ्री में रह सकती हो। बड़ा दिल, इतना बड़ा?
दिल दरिया बाकी सब समंदर। लॉर्ड में आगे का हेडू रेंट आप वो पर्स है। हेलो, बेड का $500, सोफे का 400 और फर्श का 300। और हाँ, कंप्यूटर यूज करने का 25, इलेक्ट्रिसिटी पानी और हवा का कोटेशन रह गया, उसका भी चार्ज ले ले। इंटरेस्टिंग हो, सारू आइडिया छे। हेलो, ये अमेरिका या फ्रीडम है, पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। वाह, कितनी गहरी बात कह दी, ग्रेट नॉलेज। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, जाके अपना डेरा जमा लो। बिंदास, एक बात बताओ, ये तुम्हारी असिस्टेंट है या तुम इसके असिस्टेंट हो? उसका टैलेंट चेक करके डिसाइड करूंगा। बाय द वे, उस लड़के को डस्टबिन में क्यों डाला? अरे वो गाड़ी में चढ़। हाँ, क्या वजह क्या थी? और वो कार वाला सीन क्या था, वो भी तो बताओ। कार सेवा उसके सामने मत पूछो। अरे कार में हॉट योगा कर रहा था। अरे कार में योगा करने में क्या गलत है? मैं तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू कर देता हूँ। अरे गांडा, लेकिन कार में क्या बुराई है? कार हो या प्लेन हो, कार हो प्लेन हो या बेड हो, लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बस योगा टीचर फीमेल होनी चाहिए। कार में कारनामा कैसे किया होगा? ए भाई, वो नई कुक की बात की थी ना, यही है। नमस्ते, सॉरी मेरी वजह से तकलीफ। ऐसा मत कहो, इंडियन शेफ पाके हम तो बहुत खुश हैं। सही कहा, इनको ले जाके किचन दिखा दो। आओ ना। हेलो अमेरिका, आज पटेल आपको फेरी टेल नहीं स्कैरी टेल सुनाने वाला है। सोशल साइट्स पर अपनी हाथ की लकीरें घसने वाले यूथ के लिए मेरे पास मैसेज है। ऑनलाइन चैटिंग कर लो पर मीटिंग मत करना, उसमें चीटिंग हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है लेकिन लाइफ वो रिस्टार्ट नहीं होगी। तो फेसबुक पर ऐसे काम मत करो कि फेस दिखाने लायक ही ना रहो। सो गर्ल्स प्लीज बी केयरफुल। अब लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये सुनहरा गाना। मेरी ककड़ी कट जाती तो